कश्मीर में सुरक्षा बलों की सख्ती के बावजूद दूसरे राज्यों से काम करने के लिए आए मजदूरों को चुन चुन कर मारने का सिलसिला नहीं थम रहा है। आज यानी रविवार शाम को आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मकान में घुसकर किराए पर रह रहे मजदूरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। इस हमले में दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल है। फिलहाल घायल को उपचार के लिए अनंतनाग मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि घाटी में पिछले 24 घंटे में अन्य राज्यों से आए हुए मजदूरों को मारने की ये दूसरी घटना है। इससे पहले अभी तक 4 मजदूरों की मौत हो चुकी है। मारे गए मजदूरों की पहचान राजा रेशी देव और जोगिंदर रेशी के रूप में हुई है। इसी के साथ घायल व्यक्ति की पहचान चुनचुन रेशी के रूप में हुई है। बता दें कि ये सभी लोग बिहार के रहने वाले थे और कुलगाम के वानपो में किराए पर रहते थे। फिलहाल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।